नंबर 96 में क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेज एच एंड ओ इज डी यूनिट्स। द एवरेज स्पीड गेट्स अ पर्सन फ्रॉम एच टू ओ इन अ स्टेपुलेटेड टाइम इज एस यूनिट्स। मतलब कि अगर स्पीड एस हुआ तो सही टाइम पे पहुंच जाएगा। ही टेक्स 20 मिनट्स मोर देन यूजुअल इफ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 44 मिनट्स अर्ली इफ ही ट्रेवल्स 75 किलोमीटर पर आवर। द सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डी एन एस क्या होगा देख लेते हैं। तो क्या डिस्टेंस सेम है? हाँ, मीन्स डिस्टेंस हो गया है कॉन्स्टेंट। अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होगा। कहने का मतलब कि हमने स्पीड लिख लिया, यहाँ पे टाइम लिख लिया। देखिए पहले स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का रेशियो हो गया 60:75, टाइम का रेशियो उल्टा होगा, मतलब 15:75 यहाँ पे, 15:60 यहाँ पे। अगर हम देखें तो टाइम में गैप कितने का आया है, 1 यूनिट का। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले 20 मिनट से ज़्यादा था, अब 44 मिनट कम हो गया है, तो 44 + 20 = 64। अगर एक का वैल्यू 64 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 5 का वैल्यू निकालने तो 320 मिनट हो गया। लेकिन क्या 320 मिनट एक्चुअल टाइम था? आंसर है नहीं। ये 320 मिनट तो तब आया है ना जब वो 20 मिनट्स लेट था, 20 मिनट्स लेट है ना। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा अगर हम पूछें? एक्चुअल टाइम जो हो गया, जिसको हमने टी बोल दिया, ये हो गया 320, 20 मिनट्स लेट था तो माइनस किया 300 मिनट, जिसको आप 5 आवर्स भी बोल सकते हैं। तो अगर वो एक्चुअल स्पीड से चलता तो 5 आवर्स में पहुंच जाता। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि सीन क्या है यहाँ पे। हमें तो डिस्टेंस में निकालना है ना, तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस जो कि डी है। तो देखिए जब वो 60 किलोमीटर के रफ्तार से गया है तो उसे टाइम कितना लगा है, 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 320 मिनट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गया, टाइम 320 मिनट्स, इसको 60 से डिवाइड करके हमने आवर्स में कन्वर्ट किया, गया 320 किलोमीटर हो गया। सो 320 किलोमीटर एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल डिस्टेंस है। स्पीड कितना हो गया, 5 आवर्स, स्पीड नहीं टाइम हो गया 5 आवर्स एक्चुअल टाइम। देन एक्चुअल स्पीड कितना होगा जो इनिशियली था, जिसको एस बोला है इसने, 320/5, मतलब कि 64 किलोमीटर पर आवर। हमें तो चाहिए था डी प्लस एस, तो हो गया 320 + 64, और मेरे भाई ये आ जाता है 384। दिया है क्या? अरे बिल्कुल दिया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।